राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में कुंडली के पास, और यहाँ पर महाराजा अग्रसेन धाम के नाम से एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसकी साइट है बिल्कुल TDI टस्कन सिटी के सामने। हम आपको विजिट कराएंगे और दिखाएंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट है, कैसा ये मंदिर बन रहा है। आपको अंदर लेके चलते हैं। इसमें इस मंदिर के निर्माण का काम या परियोजना कहिएगा, पिछले 3-4 साल से चल रही है, और फिलहाल यहाँ पर 10,000 मीटर जगह अग्रकेसरी महाकुटुंब संस्था है उसकी तरफ से ली गई है। बढ़िया एक वाटिका इस जगह पर डेवलप की गई है, एक ऑफिस बनाया गया है और नाम रखा गया है विश्वविख्यात श्री अग्रसेन धाम, महालक्ष्मी वरदान मंदिर श्री अग्रसेन धाम। और एक जो ऊंचा ध्वज यहाँ पर महाराजा अग्रसेन का, 100 फुट के आसपास इसकी शायद हाइट होगी, और साथ में सुंदर फवारा जिस पे अग्रसेन जी के जो वंशज हैं सभी उनके गोत्र लिखे हैं, अग्रवाल जो परिवार हैं उनके। पूरा का पूरा क्या योजना है, कब तक मंदिर बनेगा, कैसे बनेगा, महाराजा अग्रसेन जी का एक छोटा मंदिर यहाँ पर सामने बना हुआ है जिसमें भव्य प्रतिमा है महाराजा अग्रसेन जी की, और उनको आशीर्वाद देते हुए कुलदेवी माता लक्ष्मी की मूर्ति दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर मूर्ति है। हमारे साथ इस जो धाम है महाराजा श्री अग्रसेन धाम, उसके संस्थापक ट्रस्टी पदाधिकारी हमारे साथ हैं श्री जगदीश गोयल जी, उनसे हम पूछेंगे। गोयल साहब, ये क्या योजना है और थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये महाराजा अग्रसेन जी का एक ऐसा धाम बनेगा जैसे अक्षरधाम है, उससे बढ़िया अद्भुत ऐसा धाम बनेगा जो पूरे भारतवर्ष के अंदर यहाँ करके हर आदमी यहाँ आगे पूजा कर सकेगा। कब तक ये बनने की उम्मीद है और कितना इसके लिए बजट रखा गया है? इसका बजट तो अभी कोई ज़्यादा निर्धारित नहीं किया गया है, इसका कम से कम 150 करोड़ रुपये खर्चा एस्टिमेट आएगा। इसके अंदर ऐसी चीज़ें बनेंगी कि चारों धाम, महालक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, सब जितने भी हमारे देवता हैं, खाटू श्याम हैं, सबके मंदिर बनेंगे, जिससे कि हर आदमी एक ही जगह आकर के और पूरी अपनी आस्था से पूजा कर सकेगा। जी, गोयल जी ने बताया कि यहाँ पर जो है बहुत सुंदर मंदिर बनेगा। पैसे का जो खुलासा है करते हुए थोड़ा हिचकिचा रहे थे, इशारा ये दिया कि जितना भी पैसा लगेगा लगाया जाएगा, साथ में 20 एकड़ ज़मीन और है, संस्था उसको भी लेने का विचार कर रही है। और ये एक ऐसा परियोजना है, ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा मंदिर है जिसमें तमाम तरीके की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियाँ होंगी। रिक्रिएशन सेंटर यहाँ पर बनेगा, बड़ा ऑडिटोरियम बनेगा, यहाँ पर एक रसोई लगातार चलेगी, गौशाला का निर्माण भी करने का इरादा है जैसा हमें पता चला है, 2 गौ माता अभी बांध रखी हैं यहाँ पर, और साथ में हमारे जो हैं इधर पूरा का पूरा पार्किंग। क्या पूरा प्रोजेक्ट है और किस तरीके से इसको सिरे चढ़ाया जाएगा? हमारे साथ में राजेंद्र अग्रवाल हैं जो इसके संस्थापक ट्रस्टी हैं और प्रचार प्रमुख हैं, हम उनसे भी जानते हैं। राजेंद्र जी, आप ज़रा दर्शकों को विस्तार से बताइएगा कि इसमें क्या क्या परिकल्पना आपकी है। सभी को नमस्कार जी। ये हम एक सपना है अग्रकेसरी महाकुटुंब अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट का, और जिसमें सभी के प्रयास से लगभग 851 लोग ट्रस्टी के रूप में जुड़ चुके हैं, और ये महाराजा अग्रसेन जी का एक सिद्धांतों का, उनके आदर्शों का यहाँ पर एक महल और ये श्री अग्रसेन धाम की स्थापना की जा रही है, जिसमें आने वाली युवा पीढ़ी को एक भारतीय संस्कृति और महाराजा अग्रसेन जी के जो समानता और अहिंसा के जो सिद्धांत हैं उन्हें सीखने का अवसर प्रदान होगा। मतलब इसमें भारतीय संस्कृति भी होगी, एक पर्यटन का केंद्र भी ये होगा, सामाजिक गतिविधियाँ भी यहाँ पर होंगी, और सामाजिक गतिविधियों में क्या क्या संस्था करना चाहती है? सामाजिक गतिविधियों में जैसा कि मेन तो हमारा बुजुर्गों के प्रति सम्मान का जो एक यहाँ पर प्रेरणा विला बनेगा, जिसमें बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान की भावना होगी, और जो बुजुर्ग आना चाहेंगे तो उनका सम्मान होगा, आदर होगा। पूरे हिंदुस्तान से 871 ट्रस्टी, 851 ट्रस्टी माफ़ कीजिएगा, जैसे अग्रवाल जी ने बताया कि बन चुके हैं ट्रस्टी, जो बनने का सिलसिला है वो अभी तक जारी है,
लगातार लोग तन मन धन से जुड़े हैं और महाराजा अग्रसेन जी का जो सिद्धांत रहा है एक रुपया और एक ईंट का, कि सबको साथ लेकर चलना है, पूरे समाज का उत्थान करना है। और महाराजा अग्रसेन जी ने जो समानता का एक सिद्धांत दिया था, आज के समय में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसी सिद्धांतों को लेकर, उन्हीं आदर्शों को लेकर यह संस्था चल रही है। कोई व्यक्ति जो इस संस्था से जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, इन नंबरों पर संपर्क करके संस्था से जुड़ सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। श्री अग्रसेन धाम से अतुल सिंघल, कुंडली।